सत श्री अकाल। पंजाब टेन न्यूज़ टीवी विच तुहाडा स्वागत है। अज साहित्य सभा बाघा पुराना रजिस्टर वालों पंजाबी माँ बोली दे साहित्यकार जगजीत सिंह बावरा अते तहसीलदार पवन गुलाटी नाल पाठकां साहित्य प्रेमियों ने रूबरू प्रोग्राम बाघा पुराना दे सीनियर सैकेंडरी स्कूल दे विहड़े विच कीता। इह समागम बहुत ही प्रभावशाली रूबरू प्रोग्राम रहा, जिस विच प्रधानगी मंडल विच प्रसिद्ध नावलकार बलदेव सड़कनामा, नावलकार जीत संधू, जगजीत बावरा, तहसीलदार पवन गुलाटी, कवि सरजीत कौंके अते साहित्य सभा दे बाघा पुराना दे प्रधान लखबीर कोमल ने इस प्रोग्राम की प्रधानगी की। अज दे इस प्रोग्राम विच मोगा जिला तो इलावा मुकतसर, फरीदकोट, बठिंडा, लुधियाणा, बरनाला जिलों के साहित्यकारा ने इस साहित्यक समागम विच शिरकत की। बाहरों आए हुए कविया ने अपनिया कवितावां, गजलां अते रचनावां सुना के आए हुए साहित्यकारां, पाठकां, स्रोतियां नूं मंत्रमुग्ध कीता। इस प्रोग्राम विच हाजर कवियां विच एस इंदर राजियाणा, प्रीत निमाण, जगदीश प्रीतम, ठट्ठी भाई, जसवंत सिंह मुकंद कमल, जसवंत सिंह बरनाला, लखवीर कोमल, रमनदीप कौर बरगाड़ी, अमरजीत सिंह फौजी, नवदीप सिंह घोलिया, सुरिंदर सिंह कौंके, बलविंदर सिंह, सुखचैन सिंह, चरणजीत गिल समालसर, हरविंदर बिलासपुर, गुरदीप लोपो, नावलकार नछत्र सिंह प्रेमी, जोगिंदर सिंह, रणजीत सिंह सरांवाली, बूटा सिंह पैरस आदि कवियों ने इस प्रोग्राम विच भाग लिया। पेश है इस संबंधी परगट सिंह राजाणी की ए रिपोर्ट। पंजाब टेन न्यूज़ टीवी में तुहाडा स्वागत है। अज बाघा पुराना की धरती से साहित सभा बाघा पुराना वालों रूबरू समागम करवाया गया। अज के रूबरू प्रोग्राम दे विच साहित सभा बाघा पुराना द्वारा जगजीत सिंह बावरा जिहड़े उगे कहानीकार ने, शायर ने, उन्हां दा अते पवन गुलाटी जी जिहड़े पंजाब सरकार दे विच आला अफसर भी ने और किताबां नाल शुरू तो जुड़े रहे है। तो मैं तो जे ये कह देवां कि वह किताबां दा ब्रांड है, एक शाह चमन गुलाटी जिहड़ा हैगा उन्हां दा ब्रांड सीगा ते किताबां दी बहुत वड्डा उन्हां दा पबलिश भी करदे है। पवन गुलाटी जी भी नाल साडे आपां गल करदे हां जी। गुलाटी साहब, अज तुहाडा इत्थे रूबरू सीगा साहित सभा बाघा पुराना वालों, की किदां महसूस करदे? बहुत अच्छा महसूस किया, क्योंकि काफ़ी साहित्यिक मस रखने वाले साहित्यकार ते साहित रसीए इत्थे इकट्ठे हुए सी। साहित बारे विचार हुए, बड़े अच्छे लेखक इत्थे सी, बलदेव सिंह सड़कनामा, सुरजीत सिंह संधू सी, होर सारे साहित सभा बाघा पुराना दे लेखक सी। चंगा लगा कि साहित बारे, कविता बारे अच्छी विचार जी। जिदा तुसीं पंजाब सरकार दे विच आला अफसर भी हो ते नाल नाल जिहड़ा हैगा किताबां नाल भी बहुत मोह है, अज असीं तुहाडा रूबरू सुणिया भी बचपन तो ही किताबां नाल तुहाडा सीगा मोह, ते की कहना चाहोगे? तुहाडे पिता जी भी किताबां नाल, तुहाडा पिता पुरखी कम भी रहा है? नहीं, पिता पुरखी कम नहीं सीगा, परंतु पिता पुरखी यह कह सकते हैं कि साहित्य नाल पुस्तकां दे नाल मोह सी। पिता जी खुद लेखक सी ते उह किताबां बहुत खरीदते सी, ते साडे घर किताबां बहुत ज़्यादा होंदियां सी, इस करके उन्हां नूं पढ़न दा शुरू तो ही शौक वो सारे परिवार को रहा, मैनू ते मेरे भरा नूं तां बहुत ज़्यादा सी। ते उस तो बाद सारे साहिब नाल जुड़े, ब्रदर भी जुड़े, मैं भी जुड़िया, लिखिया भी, ते पढ़न दा सिलसिला तां लगातार जारी जी। जिदा कहा जाता है कि अक्सर ही जिहड़े लेखकां जां साहित रसियां नूं गिला है कि जिहड़ा हैगा पाठक घटदा जा रहा दिनों दिन, जिहड़ा मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया जां टीवी आ गया, इहने जिहड़े पाठक दर घटाई है, की कहना चाहोगे? मैं इस गल नाल मुतफिक नहीं हाँ, मैनूं लगदा पाठक सगों पहलां नालों ज़्यादा जी। तो जे मीडिया राही भी उह पढ़दे ने तां आफ्टर आल उह लिखिया तां पहलां कागज़ ते है जी। ते वैसे अच्छे जिहड़े पाठक ने उह पुस्तक पढ़ना ही पसंद करदे है, जिहड़ा मोबाइल नाल जां कंप्यूटर दे नाल पढ़ना वह सेकेंडरी अहमियत ही होती रहती है। पुस्तकां दे नाल प्रेम तो साडे पंजाब दे विच साडे बहुत अच्छे जिहड़े गुरू पीर होए ने, गुरु नानक देव जी होए ने, जां बाकी भी सारे होए ने, उन्होंने शब्द नाल ही सारिआं नूं जोड़िआ। ते उस किताब दी तां इत्थे देखो पूजा हुंदी, लिखिआ जावे तां गुरू नूं ग्रंथ, ग्रंथ नूं गुरू दा दर्जा प्राप्त। तो मैं समझदा कि किताब दे पाठक तां इत्थे उन्ने ही रहिणे ने, पर यह गल हमेशा यह सच है कि हमेशा तो जोड़े 10-20% लोग ही जोड़े आ वह अच्छे पाठक होंगे, बाकी दे उधरों उधरों सुन के ही अपना जो जीवन साहित्य नाल जोड़ते। तुसीं अफसर भी हो पंजाब सरकार दे विच ते लेखक भी हो, तुसीं पाठकां नूं की सुनेहा देना चाहोगे?
नहीं मैं सुनेहा दे उदोता मैं नहीं समझता विश्वास है मेरा पर इन्ना है कि साहित नाल जुड़ के मनुख जीवन नाल जुड़ अदरवाइज साड़ी जिहड़ी रूटीन है किसी भी काम की वो सानू एक बोझल ते अकाऊ रूटीन दे विच बदल दिंदी मशीन बना दिंदी परंतु जो साहित नाल जुड़ते हैं तो सानू नवे विचार नवी दुनिया के नाल साडा राबता बनता है इस करके जिंदगी जिहड़ी है वो जिंदगी जीउण योग जे साहित नाल जुड़दियां तां जिंदगी जीउण योग हो जाती है ये कहना सीगा पंजाब सरकार दे आला अफसर ते साहित्यकार पवन गुलाटी जी का किसी भी प्रोग्राम नू नेपरे चाढ़ने लई उहदी प्रबंधकी टीम का बड़ा वड्डा योगदान हुंदा है ते अज जिहड़ा वाघा प्राणा की साहित सभा ने रूबरू प्रोग्राम जगजीत बावरा जी ते पवन गुलाटी जी का करवाया उस प्रोग्राम नू करवाउण वाली साहित सभा वाघा प्राणा की समुची टीम जिहड़ी हुण साडे नाल खड़ी है आपां गल्लबात करांगे हरविंदर सिंह रोटे जिहड़े साहित्यकार ने जिन्हां ने अक्सर तुसीं अखबारां च लेख पढ़ते रहिंदे हो फेसबुक ते भी उन्होंने लेख पढ़ते रहने हो वो अपने नाल गलबात करनगे इस प्रोग्राम के मामले जी हरविंदर जी अज जिहड़ा रूबरू प्रोग्राम होया सी उहदे च की कहना चाहोगे रूबरू प्रोग्राम सारी साहित सभा ने बड़े सफलतापूर्वक ढंग के नाल एक दूसरे के रल मिल के नेपरे कढ़ाया जिहदे विच असीं सरदार जगजीत सिंह बावरा जी का रूबरू किया साहित्यकार पवन गुलाटी जी का रूबरू किया इस समागम की प्रधानगी नावलकार जीत सिंह संधु जी ने की है तो मैं कहूँगा भी इस प्रोग्राम की जिहड़ी वड्डी सफलता मैं समझदा है वो ये है कि साडे जिहड़े नवें साहित्यकार उभरते साहित्यकार ने जिहड़े नौजवान वर्ग हैगा वो इस सभा दे विच अज दे समागम दे विच वड्डी तादाद दे विच देखण नूं मिलिया नहीं आम करके असीं जाईदा किसी भी समागम दे विच वो जिहड़ा 25 साल की उम्र वाला वर्ग है जिहड़ा जां 25 साल तो हेठां उत्ते वाला माड़ा मोटा वर्ग हैगा ये साहित सभावां दे विच बहुत घट देखण नूं मिलदा पर अज दे समागम तुसीं देखोगे कि नौजवान वर्ग ने वड्डे तौर पर शिरकत की हैगी है इस दे विच रोल जिहड़ा आपां कहीए सेहरा किहनूं जांदा उस जिहड़ा सारी प्रबंधकी टीम नूं जांदा साडी टीम यही कोशिश करती रहिंदी है कि आले दुआले पिंडां दे विचों जिथे भी उन्हां नूं कोई नवां मुंडा जां कोई नौजवान बच्चा लिखता दिसदा है जां किसी दा लेख कोई अखबार दे विच छपदा दिंदा है वह तुरंत ही उहदे नाल संपर्क बना के उहनूं प्रेरित करदे है कि साहित सभा वाघा प्राणा नाल जुड़ो उत्थे हरेक महीनावार मीटिंग दे विच उहदी रचना पढ़ी जाती है ते नाल उहदी सारू आलोचना की जाती है जिहदे करके नवें साहित्यकारां नूं लिखण दा बड़ा बल मिलदा है शुक्रिया जी जिहड़े लोग कहिंदे आ कि पाठक वर्ग दूर हुंदा जा रहा है मोबाइल ने जां इंटरनेट ने जां टीवी ने आके जिहड़े पाठक नूं किताबां तों दूर कर दित्ता है जां लेखणी तों दूर कर दित्ता है की मानदे हो तुसीं देखो जी टीवी मोबाइल ने लेखनी तो पाठक वर्ग दूर नहीं किया गा उहदे च कारण एक होर है कुछ इउं है भी पहला कोई बच्चा जां कोई नवां साहित्यकार लिखदा सीगा तो वह कोई किसी आपके अखबार में रचना भेजता सी किसी रसाले नूं भेजदा सी रसाला उहदी रचना वाच के देखता सी कोई छपण योग है जां नहीं है उस हिसाब दे नाल उह रचना छपदी सी परंतु अजकल सोशल मीडिया का युग है जिन्हां भी माड़ा मोटा लिखता हैगा वह अपनी रचना वट्सएप के उत्ते ग्रुपां दे विच भेज दिंदा है जां फिर फेसबुक के उत्ते चाढ़ दिंदा हैगा वह यह नहीं देखता गा कि रचना मेरी पढ़न योग सी जां नहीं सी दूसरी गल यह है भी कुछ अच्क ऑनलाइन मैगजीन या ऑनलाइन अखबार चल पे ने जोड़े कि बहुत घट्ट देखते हैं भी ये रचना म्यारी है या नहीं म्यारी हैगी उस तरह ही छाप देंगे तो बंद भरम पैदा हो जाता कि मैंने लिखना आ गया जो उस तरह दचनाव पाठक वर्ग के सामने आदियाँ तो फिर उन्होंने खिचान आती है तो वह रचनावान पढ़न तो मुड़कर हो जाता है पर बड़िया क्लासिकल रचनावान अज भी लोग बड़े शौक के पढ़ते हैं और किताबा तुम देखो कि हम जिम्मे पिछे जे अमृतसर विखे हो गया पुस्तक मेला होया उत्थे देखो करोड़ों के किताबा विकिया करोड़ों रुपया किताबा विकिया तो यह किताबा विकना यही दसदा है कि पाठक वर्ग किताबों तो दूर नहीं हो पाठक वर्ग किताबों जुड़िया बशर्ते कि किताबा वो चंगे साहित्य हो बशर्ते कि किताबा वो चंगे साहित दया हो किता पाठक वर्ग उवें ही जरा किताबा नाल जुड़िया है ये कहना सी हरविंदर सिंह रोटे का जिन्हों वालों अज वाघा प्राणा विच जगजीत बावरा ते पवन गुलाटी जी का रूबरू कराया गया सहयोगी बरविंदर सरावां दे नाल प्रगट सिंह राजियाणा पंजाब टाइम न्यूज़ टीवी वाघा प्राणा।